हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू की तहरी। ये मैंने तेल ले लिया है, इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी। मैंने एक प्याज ली है और ये मैंने तीन टमाटर लिए हैं, चार हरी मिर्च लिए, इसको चॉप कर लिया है, एक मुट्ठी पुदीना लिया है। आप अपने हिसाब से आलू ले लें। मैंने दो बड़े साइज के आलू लिए हैं। ऐसे जो है इसमें आलू शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं ये टमाटर, हरी मिर्च और पुदीना ये भी शामिल करूंगी। खूब चटपटी सी ये बनती है तहरी इस तरह से। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी। एक चम्मच जो है भर के मैं कुटी मिर्च लूंगी, आधा चम्मच जो है मैं हल्दी लूंगी इसमें, थोड़ी सी मैं मिर्ची इसमें और शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमें चटपटी चाहिए। और इसमें नमक शामिल करूँगी मैं अपने टेस्ट के हिसाब से। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं इसमें पानी नहीं शामिल करूँगी। ये टमाटर के अपने ही पानी में आलू गलेंगे। आप लोगों को अगर ज़रूरत लगे तो इसमें आप पानी शामिल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ढककर जो है आलू गलने तक पकाऊंगी। चलिए जी, देखें आलू जो है वो गल गए। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये अपने ही पानी में आलू भी गल गए और हमारे टमाटर भी सारे मैशी हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी, मैं आपको यहाँ बताना भूल गई थी तो मैंने सोचा मैं आपके सामने ही डालूंगी, ये है साबुत धनिया कुटा हुआ एक चम्मच। पुदीना और साबुत धनिया का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है आलू की तहरी में। अब मैं इसमें थोड़ी सी जो है दही शामिल करती हूँ। ये मैंने इसमें दही डाल दिया, तकरीबन 5 चम्मच के बराबर दही थी, मैंने ये भी इसमें डाल दिया। खूब चटपटी सी स्पाइसी बनेगी, आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तो आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी जो है रेसिपियाँ लाती रहूँगी। अब मैं इसको 2-3 मिनट भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें चावल जो है शामिल कर दूंगी। और चावल जो है मैंने लिए हैं पौना चावल, यानी कि मतलब कि एक होता है कनकी और एक होता है साइज़ में उससे डबल होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ये मैंने पौना चावल लिया है और तहरी जो है मुझे इसी की ही पसंद है। दाल चावल हो गए, तहरी हो गई, वो मुझे इसी की ही पसंद है। चलिए मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं इसमें नमक टेस्ट करूंगी। अगर मुझे नमक टेस्ट कम लगेगा तो मैं इसमें नमक भी शामिल करूंगी। चलिए अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करती हूँ। चलिए जी, देखें पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और मैंने इसमें नमक भी टेस्ट कर लिया था तो नमक मुझे कम लगा था, तो मैंने नमक भी इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। जब बॉयल्ड आता है तो फिर मैं इसको दम पे रख दूंगी। चलिए देखें, अब इसका पानी खुश्क हो गया है, अब जो है मैं इसको दम पे रख दूंगी 15 मिनट के लिए। चलें जी, देखिए मैंने दम पे रख दिए हैं, अब तकरीबन 10-15 मिनट में इसको दम दूंगी, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। चलें जी, देखिए चावल जो है दम पे आ गए हैं। ये देखिए
चले मैं डिश आउट करती हूँ। चलो देखें जी तैयार है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको सलाद के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ। चलिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।